आज इस मंडी के उद्घाटन के अवसर पर मुझे भी यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया, उसके लिए मैं मेनाराम जी और यहाँ उपस्थित सभी जिन समुदाय का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे से पहले वक्ताओं ने किसानों के बारे में बताया, जैसे मैं रात को ही बहुत देर से जोधपुर पहुंचा, फिर यहाँ आया और अभी आज वापस जयपुर पहुंचना है। कल से 3 दिन के हमारे पार्टी का चिंतन शिविर है, 3 दिन तक वहीं रात रुकना और वहीं सब चिंतन शिविर चलेगा, इसलिए मेरे को आज ही पहुंचना है। समय की कमी है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में अधिक समय नहीं दे पाऊंगा, न मैं अधिक कुछ बोलूंगा। किसानों की जहां तक बात है, इस देश में किसान और जवान, शास्त्री जी ने, रामलाल जी साहब ने कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिस समय युद्ध हुआ था, अनाज की भी बहुत कमी थी, इस देश में अनाज था नहीं खाने के लिए लोगों को। 26 जब अकाल पड़ा था तो अनाज नहीं था, तो अमेरिका से ज्वार मंगा करके लोगों को बचाया था। अगर अमेरिका से ज्वार नहीं मिलती तो चाहे भूख से मरना पड़ता। ज्वार जिसको जानवर भी नहीं खाते, जिसमें कोई ताकत नहीं होती, ज्वार खाते थे उसमें उन लोगों को रातिंदा हो जाता, रात को दिखता नहीं था। ये सारी चीजें पुराने 25 या 26 को जिन्होंने देखा है उनको पता, आजकल के लोगों को पता नहीं। आज अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, ये किसकी वजह से? ये किसानों की वजह से। किसान मेहनत करता है, कितनी ठंड पड़ती है, इस ठंड में रात को किसान की मांग रहती है बराबर लगातार और जारी रहती है कि हमको दिन में बिजली दो, रात में अरंडी में फुहारा फोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, पर दिन में बिजली सबको दे नहीं सकती, इसलिए मजबूरी है। विभाग की, बिजली विभाग की भी, सरकार की भी रात को धनी करती है, और किसान रात में भी फिर भी वो चाहे कितनी भी ठंड लगे, पानी लगे, फिर भी वो फसल को बचाता है। तो कितनी कड़ी मेहनत करता है, इतनी कड़ी मेहनत कोई और नहीं करता किसान के सिवाय। जवान है तो वो प्राणों को न्योछावर कर देता है देश की रक्षा के लिए, अपन लोगों के लिए, इसलिए शास्त्री ने ये नारा दिया था। आज अनाज की कमी नहीं, भंडार भरे पड़े हैं, अनाज के साथ साथ सब्जी, फल, फ्रूट, दूसरे जो भी धरती से पैदा होने वाली चीजें हैं, उनकी किसी की भी कोई कमी नहीं है। ये किसानों की वजह से अपने यहाँ पर अनार पैदा होगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था क्या? अनार यहाँ पर पैदा हो रहा है, खजूर यहाँ हो रही है, अंजीर यहाँ पैदा हो रही है, आने वाले टाइम में और भी ना जाने पता नहीं क्या क्या यहाँ चीजें पैदा होगी। अभी केसर के आम की भी रानीवाड़ा में संध्या जी बात कर रही थी, तो धीरे धीरे दिलचस्प हो रही है कि यहाँ पर क्या चीज पैदा हो सकती इस धरती में। वैसे इस धरती के नीचे भी बहुत सी चीजें हैं, तेल है, गैस है, लिग्नाइट है, कोल है, ये सारी चीजें भी खोज निकाली है। आज जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन जिलों का आप देखो कायाकल्प हो गया, तो ये सब मेहनत करने की वजह से हुई है। तो आप किसान लोग आए यहाँ पर, और इसके अलावा भी और भी सरकारी मंडियाँ नहीं है, शुरू करने की बात जरूर है, वो शुरू होगी तब जाके उसका फायदा मिलेगा। अभी फिलहाल वर्तमान में ये जो प्राइवेट मंडियाँ हैं, और प्राइवेट मंडियों में एक मंडी आज जिसका अपन शुरुआत करने जा रहे हैं किया है, और बाकी कितनी मंडियाँ मेरे को जानकारी नहीं है, चार, इसके अलावा तीन मंडियां और है, और ये चौथी मंडी है। जितनी ज्यादा मंडियां होगी उतना ही ज्यादा किसानों को फायदा है, जितने ज्यादा व्यापारी आएंगे उतना ही ज्यादा किसानों को फायदा है, क्योंकि व्यापारी ज्यादा होंगे, मंडी ज्यादा होगी तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तभी जाकर के आपको सही दाम मिलेंगे, सही भाव मिलेंगे।
नहीं तो सही भाव में नहीं मिले। पहले बीच में कुछ समय अनार के भाव बहुत कम थे, अनार के भाव बढ़े हैं, चढ़े पहले से, ये मंडियां होने की वजह से। आगे तीन मंडियां चौथी मंडी यही हो सकता है, आगे जो तीन मंडियां उनको कुछ हो सकता है परेशानी, वो तो होता ही है। व्यापार बिजनेस कोई भी काम काज उसमें पहले से अगर कोई कर रहा है, किसी एक की अगर मोनोपोली है, दूसरा उसके पास में फिर और कोई आके खड़ा होता है तो होता है, पर किसानों के लिए ये अच्छा है, उनको हो सकता है ठीक नहीं लगे लेकिन किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अच्छी कॉम्पिटिशन होगा और जिन्होंने ये मंडी खास करके व्यापारियों के ऊपर है। अजा भाई अभी बैठे हैं, व्यापारी जी रामलाल जी साहब का इतने कठोर शब्द में मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ उनसे कि आप दगा मत करना किसानों के साथ, धोखा मत करना, समय खराब है, धोखा कब होता है, धोखा विश्वास कर किया जाता है वो धोखा करता है तभी धोखा होता है, बाकी जिस पर विश्वास नहीं हो वो धोखा कैसे, वो तो कर ही नहीं सकता। आप मुझे पैसे दे दोगे, मुझ पर आपको विश्वास है कि हमारा हमको पैसे दे देंगे, आधी रात को अपने को दिल ला के दे देंगे, जिस दिन मांगेंगे उसी टाइम हाथों हाथ मिल जाएंगे वापस, तो मेरे को उधार दे दोगे। और ये है कि हमारा वापस देगा नहीं तो कोई नहीं देगा एक पैसा भी, पर हमारा हम पर विश्वास कर लिया आपने, विश्वास से पैसा दे दिया और फिर मैं वापस नहीं कर चुकाऊं तो ये धोखा है। तो इस तरह से धोखा नहीं हो, मैं यहाँ उद्घाटन करने आया हूँ, अगर इस मंडी में कोई धोखा हो गया, कोई किसी ने कुछ गड़बड़ी कर दी, किसानों को पैसे खा गया, तो मेरी भी हल्की लगेगी, इसलिए मेहरबानी करके मेरे को यहाँ बुलाया है, कुछ मेरा भी ख्याल करना, किसानों का भी ख्याल करना, सबका ख्याल करना। तो धोखे से कोई नहीं पनप सकता, जिस किसी ने भी धोखा किया वो पनपा तो नहीं है, पर मन नहीं मानता आदमी कि धोखा करे। एक बार एक किसान, अगर कोई चीज का ब्रांड अगर एक बार वो चीज लोगों के दिमाग में जज गई सही है, तो उसके नाम से तो फिर कई उसी ब्रांड के नाम से फर्जी ब्रांड बना करके भी दे देते हैं तो भी चल जाता है, तो ब्रांड चलता है। इस मंडी में अगर सही काम होगा, सही भाव मिलेगा किसानों को, और देव जी ने कह दिया इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं, नहीं तो मैं कहने वाला था, मेहरबानी करके सेठ जी को भी कह रहा हूँ पैसे हाथों हाथ दे देना, एक रुपया कम अगर तुम्हारा जचे कम दे देना, पर देना हाथों हाथ, उधार की माफी रखना। और किसानों से कहता हूँ आप भी लालच में मत आना, कई बार उधार ले जाते हैं तो फिर वाह, हमारे पहले मैं बहुत बचपन की बात है, मुझे कुछ यूँ बात थोड़ी याद है मामूली सी, तिलवाड़ा मेला लगता था पहले, अब तो करीब फैल सही है, क्यों पशु वाला मामला ही खत्म हो गया। उस समय हमारे वहाँ बैलों की जोड़ी लेकर के गए थे मेरे पिताजी, था तो हमारे गांव का ही कोई आदमी, गांव का हो तो क्या, गांव का था, परिचित था, भाई ठीक है ये तो घर का ही आदमी, उसने है सो वहाँ सब व्यापारी वगैरह आए रहे तो बोल ली वगैरह के भाई कितने में लोग बैल, उसने सबसे ज़्यादा पैसे ऑफर किए, सबसे ज़्यादा ऑफर की, तो ज़्यादा वालों की देंगे कम वाले को क्यों देंगे। और मेरे पिताजी ने सोचा ये तो अपने गांव का ही है कहाँ जाएगा, इसको दे दो पैसे भी ज़्यादा रहना दे रहा, पहचाना हुआ कोई है तो है नहीं, कोई भगाने वाला तो है नहीं, उसको उधार दे दिए बैल, आ जाओ पैसे वापस कहीं ऐसा नहीं हो जाओ ये तो मेरे को मैं हकीकत की बात बताऊँ तो, क्योंकि ठगियाँ बहुत होती हैं आजकल, बहुत कंपनियां चलती है, लोगों को धन दुगुना तिगुना चौगुना एकदम एकदम दुगुना तिगुना चौगुना होगा कैसे, इसके पास ऐसा कौन सा जादू है ये तो बताओ, अपन मेहनत करते हैं अपने पास तो है ही नहीं, तो इसके पास कहाँ से दुगुना तिगुना चौगुना करके कहाँ से दे दे, किसको दुगुना करना किसको तिगुना करना, उसको तो पैसे ही इकट्ठे कर दे। वो एक बार था ना किसी ने कहा, वो किसी की गाय घूम गई तो उसने कहा कि ये एक हौचल बाबू जी को चढ़ा दो, एक और रामदेव जी को, एक जोग माया को चढ़ा दो, दूध गाय मिल जाएगी, तो इस करते करते उसने चारों हौसलों का दूध बोल दिया चार देवताओं को, तो कह रहे भाई चारों हौसलों का दूध तो चारों देवता चढ़ाए फिर इस गाय का करेंगे क्या,
तो फिर गाय मिलने दे, तो बस तो चारा नहीं घड़े चढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के साथ, देवता के साथ ही ठगी करके वो गाय लेना चाहता है, तो ये ठगी नहीं होनी चाहिए भाई। मेरे कहना मतलब ठगी नहीं होगी सब अच्छा चलेगा। ये मैं भी 74 साल का हो गया, रामलाल जी तो मेरे से बड़े हुए, बड़े हो गया भाई। मैंने दे दे विश्वास लोगों में होना चाहिए, विश्वास नहीं कुछ नहीं। जिस दिन विश्वास खो दिया फिर आपके कुछ नहीं है। जाना तो सबको है संसार, क्यों धोखाधड़ी करके क्यों इकट्ठा करते, ईमान से कमाओ। एक जमाना था मुझे याद है, लोग धर्मादे के नाम से एक पैसा नहीं लेता था कोई। चंदनमल जी विधानसभा में थे, पुराने वाली विधानसभा में, उन्होंने मेरे को हमारे को सुनाया था। एक बार ये कहीं गए थे, अकाल पड़ते थे, अब तो ये नरेगा हो गया, दूसरा अकाल रात के काम वाम खुलते नहीं, वो अकाल के काम देखने गए थे। वहां पर एक आदमी और एक औरत दोनों बीमार थे, इलाज कराने के लिए पैसा एक उनके पास था नहीं। तब चंदनमल जी ने किसी अपने आदमी को कोई भेजा, कभी इसको पैसे दे के आओ, कोई ये दवाई वाई ले आएगा, थोड़ी इसकी व्यवस्था करेगा। वो कोई पैसे लेके गया उसके पास, उसको कहा ये मंत्री जी ने पैसे भेजे, कभी तेरा कोई दवाई वाई ले आना, इससे दवाई लाने के लिए पैसे ही नहीं तेरे पास। पता क्या हकीकत बात थी, पर उसने पैसे नहीं लिए। उसने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन धर्मादे के पैसे नहीं लेंगे। अब तो सुबह से शाम मिलते हैं, पूछते हैं क्या कोई योजना है कोई देने की, कुछ दोगे कि नहीं दोगे। अब देने की तो करते तो है कोशिश, दे कुछ कुछ दो, पेंशन है दूसरी है जो भी है, कहना कुछ थोड़ा रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। देने वाला तो ईश्वर है, क्या राज देन क्या हम देन क्या दूसरे देन, देने के लिए किसके पास, किसी के पास कुछ नहीं है देने को। ये तो ये अपने मन नहीं मानता, देने वाला ईश्वर है, ईश्वर देगा सब लहर हो जाएगी। और ईश्वर ने जिस दिन हाथ खींच लिया, चाहे आप कितनी ठगी करके इकट्ठा कर लो, वो आपके साफ हो जाएगा। इसलिए ठगी नहीं हो। कहना को और भी बहुत बातें, कुछ आगे भी एक प्रोग्राम है, जयपुर भी मेरे को जाना है, फिर भी थोड़ा ही बोलना था। फिर भी क्या है, कई बार मैं बोलना शुरू करता फिर बोलते ही जाता हूँ, ध्यान रहते ही नहीं। कामकाज की जहाँ तक बात है तो कामकाज हो रहे हैं, आप देख खुद देख रहे हो, बिजली का कहीं नामो निशान नहीं था। मुझे याद है 80 में मैं MLA बना पहली बार, मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक भी गांव बिजली बुरा में बिजली नहीं थी। दुमड़िया से गई थी आपके जालौर जिले, फिर दुमड़िया से 33 के बीच, तो कितना बिजली का विस्तार हुआ है। अब कोई भी चीज़ आती है तो उसमें उसके साथ साथ समस्या भी होती है, बिजली में ट्रिपिंग है, दूसरे हैं, कई चीज़ें हैं, पर फिर भी आई है, तब जा कर के आज इतना तो उत्पादन हो रहा है। शुरुआत में बिजली के कनेक्शन नहीं लेते थे, बुढ़ा में कनेक्शन नहीं लिए लोगों ने, जो टारगेट आया वो। अब तो टारगेट किया, अब तो 2012 के कनेक्शन हुए हैं, जिनके फाइलें जमा 12 के बाद वाले सब बैठे इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो बहुत महंगी जो फुहारा वाली वो भी बहुत महंगी, वो भी इस साल तो कई लोगों के पैसे जमा थे डिमांड के, उनको टाइम पर सामान नहीं मिला, वो भी समस्या रही। पर इतना विस्तार हुआ कहना मुझे, आने वाले टाइम हर घर में बिजली होगी, घर घर में आ गई, फिर भी कोई बाकी रहेंगे। अभी योजना है, उस योजना चल रही है, उसमें सबके घरों में बिजली लग जाएगी, कुओं के बिजली का भी काम चल रहा है, हर घर में पीने का मीठा पानी मिलेगा। नर्मदा नहर से, नर्मदा नहर से कहाँ से आई, कोई मानता था क्या नर्मदा नहर से पानी आएगा, कहाँ सरदार सरोवर बांध। तो कहना मतलब इस तरह से विकास तो हो तो रहा है, फिर भी उसमें समय लगता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो अपन लोगों में ही, अपन ही है, चाहे मैं हूँ किसी पद पे तो मैं गड़बड़ी करता हूँ तो उसके लिए मैं गड़बड़ूँ, तो इस प्रकार गड़बड़ी अपन ही करते हैं। नहर से पानी आया है, ये भी कोई कम बात, सड़कों की बात, मैं आपके जालौर जिले का पिछली बार मंत्री था, तब प्रभारी था, बाड़मेर से जालौर पहुँचता था नहीं, तब सारा पेट का पानी हिल जाता था, हालत खराब हो जाती थी। आज के सड़क अच्छी बनी कि नहीं बनी है, तो कहने मतलब इस तरह से सब जगह बन रही है सड़कों, लोगों की मांग आ रही है, कुछ लोग भी मांग भी ज़्यादा ही कर देते हैं। बैठे हमारे यहाँ बूढ़ा वाले हैं, मैंने सुना पढ़ा मीडिया से, मेरे भी करें बूढ़ा मालानी को जिला बना दो, मैं जोरदार भाई, अब यही काम बाकी रहा एक। अरे हो भी तो कोई कोई मोटी हो है ना, ना नाराज एक बार सोल भले 20 बजे वही कोई हो है, जब कहीं हो ही कोनी बड़ा, तहसील मैं बनाई, SDO कोर्ट मैं बनायो, डिप्टी ऑफिस मैं बनायो, एक्शन सारा खोल गया, कहीं नहीं रहो बात, जिलों से बालोद्रा वाले रड़ता ना तो कोई कितनी पीड़ी होगी।
बारत अजी बने तो बारत बनदा वैसे बात करना तो ठीक लागे मन तू पहाड़े आप ही हम गया तो थोड़ी बात में मौन भी करो थोड़ा विचार देने करो है कर्ण में क्या लागे अरे लागे तो की कौन पर दखलो पे क्या मटियो मांग करे नमी नु की जवाब दो ओके वे कई जवाब दे ना दे तो थे नाराज हो जाओ हां दे तो कहो दे जिंगो ठिको नहीं बिंगो करो हां हैं हम बोलो रे बोले रे बोलो बोलो बैठ रो कह दे दो तो रे बोले ये टाइम करना आप रमन हो बोले तो कहन मतलब कोई भी बात भी करो तो भी बात वाजिब होनी चाहिए बी में कहीं बात में गुंजाइश होनी चाहिए जना तो क्यूड़ी ठीक जिन बात में कोई गुंजाइश नहीं जिन बात में कोई अत्तो पत्तो नहीं और भाई हम यह जगह उठाए लो बिने एक आंदोलन के रूप में तो अच्छी बात है आपरे रामलाल जी मेरे भी बड़ा इन उम्र में स्वास्थ्य बेटी फिर भी देखो नहीं आपरे बीच में करोगा एडो बेटा सुबह हूं ना मैं पूरे मंच ने टीकर चलाना खीर करना है मारा हाथ रही उड़ा है मिले कौन सा बहुत मेहनती आदमी मेहनत करने में की कमी रखे को बाकी भाई हैंग कॉम थिंग या कौन हैंग तो राजा रहूंगी पूरी कोई मेहनत आपकी तरफ करे आगे भी करी दूसरा भी जनप्रतिनिधि है जगह आप सवाराम जी है चाहे संध्या जी है चाहे अठरा जो भी है जरूर जिले मोरे जिले तो मोर करे ही है अगर मोरे जिले मैं तो माफी मांगू कि भाई आप ही तो घड़े की हो मैं थे थोड़े संभालू ठीक है क्या भाई 80 में पहले एम एल ए बना कितना साल हो गया 40 साल 40 साल में ये मिलनी छोड़ा तो भले आखिरी कहीं हो कभी न कभी तो छोड़ना ही पड़ी उम्र भी होगी कई बार हम कहूँ जना कह थे यूं मत क्यों कह मैं कह आल कर रहा तो हम आल कर रहा हूँ बुआ ही आल करें तो आल ही करना ऊपर आल करा दे अपना की जरूरत को रही आप सब लोग पता रहा आप सब लोग हमारी बात सुनी किसान भाइयों ने अग्रिम बधाई और उन्हें कहना राम जी ने अजय भाई जी ने व्यापारी वगैरह आया आप मेहरबानी कर हंगई आपने रामलाल जी कहो नहीं कहूँ मेरे ख्याल में सब्र की तरफ है सब्र वही कहना है कहीं मंडी ने अच्छी चला जो है तो थोड़ा ही ना हो थे कमाओ माने ओढ़ बोली मिले धन्यवाद।